ये देखिए कॉपी है ना, और आप ये सोच रहे होंगे कि ये तीन चार एक केज में बंद किए हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले ये मेल देखें, ये एक मेल है हस्की और छोटा सा क्यूट सा, ये देखिए कॉपी है ना, सेम सेम दोनों सेम सेम है। फ्रेंड्स ये साइबेरियन हस्की का पपी है और ये इसका फादर है, मदर यहाँ पर नहीं है इसकी, क्योंकि इसका मैंने स्टड दिया था, तो स्टड के बाद वहाँ ब्रीड हुई थी, ब्रीडिंग के बाद ये रिजल्ट है। और ये पपी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक मेहमान बनकर आया है थोड़ी देर के लिए, और इसके ओनर भी मेरे पास आ चुके हैं, तो ये मैं हैंड ओवर करूँगा इनके ओनर को, तो चले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ये आपका नन्ना सा क्यूट सा पपी, इसको देखें, देखा मुझे देखे इस केज, मुझे देखे, आप इसको देखे। अच्छा ये केज इसको लेकर जाने के लिए लाया, केज इसको रख लेता हूं, पपी देखें। चले आप चले, मैं आपको और भी डॉग दिखाता हूँ। हाँ अच्छा, ये मैंने जो अपने लिए डॉग्स रखे हुए हैं ये वो डॉग्स है, ब्रीडिंग वगैरह करवाता हूँ। ये पिटबुल्स हैं, पिटबुल, ये मेल है पिटबुल, इससे मैं ब्रीड वगैरह लेता हूँ। आओ, अमेरिकन पिटबुल है जी, अमेरिकन पिटबुल है, और ये भी फीमेल है पिटबुल की। यस, और ये डॉग्स हैं मेरे पास, ये जर्मन शेपर्ड का पेयर किसी का बोर्डिंग पे रखा हुआ है, और लेब्राडोर एक मेल है, इसमें मैंने शेड के लिए रखा हुआ है, ये भी इसकी फीमेल मेट करवा के मैंने, ये डेलमिशन है, और इसकी फीमेल भी इससे एक मेट हुई भी है, उसको मैंने ब्रीडिंग सेक्शन में ट्रांसफर किया है। ब्रीडिंग का एक अलग सेटअप है मेरा, फीमेल जहाँ से मेट होकर वहाँ चली जाती है वहाँ पर मैं शिफ्ट कर देता हूँ। और आप ये सोच रहे होंगे कि ये तीन चार एक केज में बंद किए हैं, ये इसलिए बंद किए हैं मैंने यहाँ पर कि ये केज खाली रहता है और ये ओपन रहता है, जब कोई गेस्ट आता है तो फिर मैं इनको यहाँ पर बंद कर देता हूँ, वैसे ये यहाँ पर ओपन रहते हैं, ये पूरा एरिया इन्हीं का, ये यहीं पे घूमते रहते हैं। एक केज मैंने सिर्फ इसीलिए रखा हुआ है कि कभी कोई गेस्ट आता है ताकि डिस्टर्ब ना करें, और इनको बंद करने कोई भी देखने को आता है। मजीद आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आपके हाथ में पपी है ये इसकी औलाद है, इसके बच्चा है, ये इसका फादर है, मदर ये नहीं है, मदर इसकी ये नहीं है, मदर दूसरी है, फादर यही है इसका, ये जो खड़ा हुआ है जंबो साइज का है, इसका मैंने स्टड दिया था किसी दोस्त को, वहाँ ब्रीड हुआ था, ये मेरे पास नहीं हुई ब्रीड। अच्छा बाकी ये एक मेरे पास मेल आया हुआ है, लॉन्ग कोट का मेल है, ब्लू आइज का, इसके का क्योंकि मेरे पास मेल दो हैं, एक वो है एक ये, तो ये मेरे पास आया है तो ये चला जाएगा कहीं भी जहाँ इसका नसीब हुआ मजीद। हाँ ऐसा हुआ, तो उसके बाद ये बुलटेर की फीमेल है, ये अभी मेरे पास ब्रीड से फ्री हुई है, अभी क्या काफ़ी दिन हो गए याद नहीं है मुझे, महीना दो महीना हो गया होगा, इसको बच्चों से फ्री हुए हुए। और ये एक हस्की की ओल्ड आइस की फीमेल है, और पिटबुल की फीमेल है मेरे पास, और अभी तक इसकी ब्रीड में नहीं ले पाया क्योंकि ये हीट पे नहीं आई, शायद ये वीक थी इस वजह से नहीं आई, तो अब बेहतरी की तरफ जा रही है, रिवॉर्म वगैरह मैंने किया है, तो अब अगर हीट पे आई तो उसी मेल से जो मेरे पास है सामने दिखाया मैंने, हाँ वो जो उधर बैठा हुआ है सही जी, उससे मैं इसकी ब्रीड लूंगा। और ये एक शिडजू का पेयर है मेरे पास, शिडजू का मेल मैंने परचेज किया था, तो फिर वो फीमेल किसी फ्रेंड ने मुझे दी है कि इससे ब्रीड ले लें इसकी, अच्छा, तो कोशिश करेंगे कि ब्रीड ले लें, तो ये एक पेयर है शिडजू का, ये बहुत प्यारा पेयर है आपका जो आपके हाथ में, ये भी बहुत प्यारा है ये माशाल्लाह। हाँ अब उम्मीद है कि आए बैठे ना, हाँ यहाँ बैठे, यहाँ बैठे आ जाए। अच्छा उम्मीद है कि ये पपी अब आपके पास जाकर एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करेगा, जी जी इंशाल्लाह ताला, और आप इसको ट्रेन करेंगे, जी मैं ट्रेन, जो गाइडलाइन चाहिए हो तो मैं गाइडलाइन आपको देता रहूंगा, नंबर आपके पास है, और अगर आपने इसको अच्छा ट्रेन किया तो मैं आपके पास जरूर आऊंगा इसकी वीडियो बनाने, इंशाल्लाह हम करेंगे जितनी कोशिश हो सकेगी, क्योंकि पहला शौक है हमारा भी, और ये मैंने पपी भी आपसे लिया क्योंकि आपसे मैंने यूट्यूब से कांटेक्ट किया, अच्छा नंबर मुझे वहीं पे दिया था, तो मुझे आप पे ट्रस्ट भी बना, अच्छा बहुत शुक्रिया आपका ट्रस्ट करने के लिए, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं व्यूवर्स हैं तमाम ट्रस्ट करते हैं मुझ पर, और उनके ट्रस्ट काम को मैं सलाह भी देता हूँ, और आपको भी बिल्कुल, एक तो आपने लिया है उसके बाद गाइडलाइन वगैरह हर चीज़ देता रहूँगा, और
आप भी एक व्यूवर्स में से ही हैं, और जिस चैनल पे आपने मुझे देखा जहाँ से नंबर लिया उसी चैनल पे आप भी जाने वाले हैं, आपकी ये वीडियो वहीं अपलोड होगी। मुझे भी देखनी है रात को। रात को नहीं, लग जाता है, एक दिन दो दिन लग जाते हैं एडिटिंग में, तो जैसे ही अपलोड होगी तो मैं आपको उसका जो है ना कि लिंक दूंगा, वैसे ही आ जाएगा मैसेज आपके पास। तो अब ये है कि इसकी जो है ना कि वैक्सीनेशन वगैरह जो होगी, जो उसकी डिटेल है डिवर्मिंग की, मैंने तकरीबन डॉग फूड वगैरह जो आप इसको देंगे उसकी डिटेल मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दी है। मजीद वैक्सीनेशन वगैरह की सारी डिटेल मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, और कोई भी काम हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट में रहिएगा, ठीक है? तो फिर व्यूअर्स से लेंगे इजाज़त। फ्रेंड्स, ये अरसलान भाई हैं, और अरसलान भाई आए थे, अरसलान भाई हैं ये, और ये उनके छोटे भाई हैं वासे। तो मुझसे कांटेक्ट किया था, इनको हस्की का पपी चाहिए था, और इत्तफाकन हस्की का पपी मौजूद था, तो मैंने इनको ये पपी दिया है, और आज ये लेकर जाएंगे। मज़ीद इसकी लाइफ किस तरह गुजरती है कोशिश करूँगा कि आपसे शेयर करूँ। और ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाएँ ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आती रहे। इसी के साथ साथ मुझे, अरसलान भाई को, वासे भाई को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।